अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, फ्रेश हैं या परेशान हैं अपनी कोई गलती पर? हाँ भाई, कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला है और हम पैदा होने के बाद से तो गलतियां शुरू कर देते हैं। कभी लिखने में गलती करते हैं, कभी चलने में गलती करते हैं, कभी बोलने में गलती करते हैं और कभी कभार गलतियाँ हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं और कभी कभार बहुत नुकसान पहुंचा देती है। कभी अपनी ही गलती की वजह से किसी और को नुकसान पहुंचता है, कभी अपनी ही गलती की वजह से किसी और को फायदा भी हम दे जाते हैं। अब अगर आप गलतियों की मिसाल लें, फॉर एग्जाम्पल पेपर आप गलत कराए, क्वेश्चन गलत लिखाए, जितनी तैयारी जितनी मेहनत की थी वो सारी आपकी फारिग हो गई, रायगा चली गई। क्यों? क्योंकि वो जो गलती आप करके आए हैं उसी के तो नंबर आ गए ना अंडा। तो जनाब, अगर आप गलती से अम्मी के सामने कोई भी बात जो नहीं बताने वाली होती वो निकाल दें अपने मुंह से, अपनी बहन या भाई की, तो फिर वो कभी कभार आपको भी महंगी पड़ जाती है, क्योंकि उसी गलती को मद्देनजर रखते हुए बड़ी पाबंदियों की लिस्ट माँ बाप लगा देते हैं, है ना। तो इसीलिए गलती से, खास तौर पे अगर आप मुझसे पूछेंगे गलती से मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल आती है लाइव शो में, युग करके सोशल मीडिया उसको पकड़ लेता है और फिर वो गलती मेरे लिए भी नुकसानदेह बनती है, लोगों के लिए भी जो है लाइक वो भी हर्ट हो जाते हैं और वो फिर अपने हर्ट होने के बाद बहुत कुछ उल्टा पुल्टा लिख देते हैं, है ना। तो गलती कभी कभार आपको भी हर्ट करती है और गलती कभी कभार आपकी दूसरों को भी हर्ट करती है। मगर अगर मैं इस गलती पे आती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आजकल ये बड़ी गलतियां हो रही हैं, आपने ऑनलाइन कोई चीज देखी, जूते पसंद किए कोई और क्लिक कर दिया कहीं और सही से आपने डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ी और आपने मंगाए थे सैंडल्स, आपको आ गई चप्पलें, या आपने मंगाया था काले रंग का जोड़ा, आपको आ गया जी ब्राउन रंग का जोड़ा। तो ये वाली गलतियां तो बेयरेबल है, लेकिन अभी जो गलती मैं आपको दिखा रही हूँ इन्हें नहीं संभाल ली भाई, हम तो नहीं संभाल सकते। ये देखिए ये कौन सी गलती, बड़ी इंटरेस्टिंग गलती की डॉक्यूमेंट्री आपके सामने जरा पेश है। कभी कभी बहुत से लोगों से ऐसी गलती सरजद हो जाती है कि उनका लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। ऐसा ही कुछ एक शख्स के साथ तब हुआ जब उसने अपने हवाई जहाज के शौकीन बेटे की सालगिरह पर मॉडल जहाज देने का सोचा, लेकिन उसने इंटरनेट पर गलती से मॉडल जहाज देखते देखते दो असली A350 एयरबस ऑर्डर कर दिए, जिस पर इस शख्स का कहना है कि जहाज ऑर्डर करते वक्त जब उससे मालूमात ली जा रही थी तो उसे जबान समझने में मुश्किलात हुई और उसने गलती गलती में जहाज खरीदने की बात पर भी हाँ कर दिया, जिसके बाद चंद दिन में ही वो दो जहाज का मालिक बन गया। इस शख्स की ये गलती उसे काफी महंगी पड़ी, जिस पर बाद में उसने एक जहाज अपने कजन को गिफ्ट कर दिया। ओहो 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 ओहो, क्या गलती है और क्या संभाला है। हम पैसे वाले हैं तो ज़ाहिर इंग्लिश में गुफ्तगू हो रही होगी, तो सऊदी बंदा था भाई, नहीं आई उसको समझ, तो गलती कर गया है ना। अच्छा, वैसे गलतियां ये भी होती हैं, आप अपनी महंगी कीमती चीज कहीं ऐसे जगह रख देते हैं केयरलेसनेस में, वो चोरी हो जाती है। मेरे साथ अभी टर्की में इतनी बड़ी गलती हुई है, मतलब मैंने लॉकर में नहीं रखी, पर्स में ही रखे रहती, तो मेरी अंगूठियाँ नहीं मिली अभी तक, मेरा पेंडेंट, मेरी अंगूठियाँ गई। तो ये गलती आपको जिंदगी भर याद रखेगी, रहती हैं, और आप इन गलतियों की वजह से थोड़ा सा केयरफुल हो जाते हैं। मतलब अब मैं छोटी से छोटी चीज़ को भी ज़रा एहतियात करती हूँ, जेवर पहनना ही छोड़ दिया, आप देखें सुने सुने कान होते हैं मेरे, कोई अंगूठियाँ नहीं है ही नहीं मेरे पास, और क्या करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब टू एयरवायर डिजिटल्स यूट्यूब चैनल एंड स्टे कनेक्टेड टू ऑल द न्यूज़ एंड अपडेट्स।